सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। दोहरा के नागरिक अस्पताल के कर्मचारियों ने एसएमओ डॉक्टर हरविंदर सागू के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 हटाने का जश्न मनाया और मरीजों के साथ आए सभी अभिभावकों को भी लड्डू वितरित किए गए। इस दौरान फार्मासिस्ट रमेश कुमार ने बताया कि मौजूदा सरकार द्वारा ये कदम उठाकर देशवासियों को सही तरीके से आजादी दी गई है। उन्होंने बताया कि इसे केंद्र शासित दो राज्यों में बांटकर भारत के साथ जोड़ने पर सही रूप से अखंड भारत का सपना साकार हुआ है। प्रत्येक देशवासी इस दिन को विजय दिवस के रूप में मना रहा है। ऐसे में डॉक्टर हरविंदर सागू ने बताया कि कर्मचारी भी इस देश का नागरिक है, इसलिए कर्मचारियों में भी खुशी का माहौल बना हुआ है। उन्होंने बताया कि भारत देश के कर्मचारी श्रीनगर में भी अपनी नौकरी का आनंद उठा सकेंगे, वो इस दिन को हमेशा विजय दिवस के रूप में मनाते रहेंगे। कल बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिली थी हमें, जो है जम्मू कश्मीर में 370 धारा 35 से हट गई है। हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि जो सरकार द्वारा इतना बड़ा कदम लिया गया है, बहुत ही प्रशंसनीय है। सभी नागरिक, सभी एम्प्लॉयज, सभी छोटे बड़े, हम बहुत ही खुश हैं और बहुत ज़्यादा हमारे माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। इतना बड़ा स्टेप लेकर हमारी जनता के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए इतना बड़ा ठोस कदम उठाया है। हम इस खुशी में आज सभी को लड्डू बांट कर विचार कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपके सभी कर्मचारी शामिल हैं इस कार्यक्रम? जी हाँ, सभी कर्मचारी इकट्ठे होकर इसकी खुशी मनाई और लड्डू बांट कर सभी को बधाई। तो ये ऐतिहासिक दिन बन गया, तो हर वर्ष इसको मनाएंगे? हाँ जी हाँ, जरूर मनाएंगे। ये तो ऐतिहासिक दिन है, हर साल मनाया जाएगा। तो आप किन के बीच में, अपने कर्मचारियों में बांट रहे हैं, लोगों के बीच में लड्डू बांट रहे हैं? सभी को बांट रहे हैं, सभी को बांट रहे हैं, आप लोग भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कर्मचारियों को बेनिफिट होगा इस बात से दिली तौर पे? जब कश्मीर में जो नहीं जा पाते थे, बार बार हिचकिचाहट होती थी घूमने के लिए, हम वहाँ पर रह भी सकते हैं, वहाँ पर सर्विस भी कर सकते हैं, अपने ट्रांसफर भी कर सकते हैं वहाँ पर। सत्य खबर के लिए टोहाना से सुशील सिंगला की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।